हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप सिंगर फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ साइडर्स का मेकअप कैसे करते हैं, और क्योंकि अभी ईद भी है, आई थिंक कल ही है, तो अगर आप ईद के लिए भी लुक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और साइडर्स के मेकअप में क्या डिफरेंट होता है ब्राइडल मेकअप से, ये सब कुछ आज देखेंगे हम लोग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है जो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी थोड़े दिन बचे हैं, नेक्स्ट वीक क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से मुझे व्हाट्सअप करो इस नंबर पर। मैं आप लोगों को वहां पर पूरा डिटेल में सिखाती हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस। अगर आप लोगों को मेकअप का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि सब कुछ कवर होता है बेसिक से लेकर एडवांस्ड आई मेकअप तक, एडवांस्ड लुक्स, क्लाइंट मेकअप और अलग अलग स्टाइल के आई मेकअप में आप लोगों को सिखाती हूँ। कट क्रीज, फुल कट क्रीज, अरेबिक आईज, हाफ कट क्रीज और एवरीथिंग, सिंपल आई लुक से लेके एडवांस तक सब कुछ मैं वहां पे सिखाती हूँ आपको। तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है गाइज, तो जल्दी से ज्वाइन करो, क्योंकि अभी थोड़े दिन बचे हैं और 22 डेज के क्लासेस होते हैं, तो उसमें आप लोग सब लोग बहुत ही अमेजिंग तरीके से मेकअप सीख सकते हो। और आप लोगों को रोज आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हो, रात को 9 बजे मैं जूम पे ऑनलाइन आती हूँ, जहां पे मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी करती हूँ जो भी मैंने सिखाया। तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, एंड सी यू ऑल इन माय ऑनलाइन क्लासेस गाइज। और अभी हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने लिया है ये एम्ब्रॉयलर्स का मॉइस्चराइजर। अच्छे से इसको लगा लो स्किन में और मसाज कर लो, फिर उसको थोड़ा सा ड्राई होने दो। मॉइस्चराइजर के बाद नेक्स्ट लगाना है हमको प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने लिया है प्रो इफेक्ट्स का। तो आज बहुत ही अमेजिंग सा लुक मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, हेलो आईज, बहुत ही अच्छा भी दिखता है और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। सो ये प्राइमर लगा लेते हैं पूरा फेस पे। प्राइमर लगाने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा शाइन भी दिख रहा है फेस पे। अभी हम लोग लगाएंगे फाउंडेशन, उससे पहले थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। तो करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे रखा है अपना एलेगल के करेक्टर्स रखे हैं, ऑरेंज एंड येलो, इसको थोड़ा सा लगा लेते हैं। और फिंगर से ही थोड़ा उसको यहाँ पे ये करते हैं, बहुत ही पतला लेयर लगाओ गाइस और यहाँ पे। ऑरेंज लगा लिया है उसके ऊपर, थोड़ा सा येलो करेक्टर लगा रही हो अभी, ताकि ऑरेंज को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लें। फाउंडेशन अभी लगाएंगे गाइस। तो फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है मेरा एलिस एकेडमी का फाउंडेशन और ये जॉर्जो अर्मानी का। इसका शेड है मेरा 6.25, परफेक्ट रहेगा अगर आप मेरे जैसे हो तो। थोड़ा सा लाइट है मेरे लिए, तो इसको डार्क करने के लिए मैं थोड़ा सा एलिस एकेडमी का मिक्स करूंगी, और फिर ये लेना है आपको और लगाना है फेस पे। लिया है अपना स्पॉन्ज और इसको ब्लेंड कर लूंगी। अभी मैंने लिया है अपना टार्ट का कंसीलर। तो हमेशा आपका सेंटर पार्ट हाईलाइटेड होना चाहिए, जो अभी देखो दिख रहा है राइट, जैसे हमने कंसीलर लगाया। कंटूर के लिए मैंने लिया था मेकअप फॉरएवर का पैलेट, कंटूर पैलेट है ये, उसमें से ये वाला कलर। हम लोग जब भी कंटूर करते हैं तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ तक लेके जाना है, क्या करना है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ईजी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको जो कंटूर है वो क्या है कि आंखों के यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, ठीक है, ऐसे आंखों के कॉर्नर पे। उसके बाद एक फिंगर रखो, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां तक आंखों के स्टार्ट तक, मतलब आईबॉल के स्टार्ट तक। तो दो लाइन हो गया है। उसके बाद वापस एक फिंगर रखो और वहां से एक नीचे लाइन, तो ये तीन लाइंस आपको अभी मिल गई है। ये कहाँ पे आएगा, आंखों के यहाँ पे ऐसे। थोड़ा सा इसको कर्व ले लो ताकि वो चीक्स अच्छे से आपके हाईलाइट हो, ऐसे
अभी आपको इसको ब्लेंड करना है। आपका ब्रश ले सकते हो या तो ब्लेंडर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और आपको देखो ऐसे बस टैप टैप करो, तीन लाइंस, और उसको टैप 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 करोगे तो भी ब्लेंड हो जाएगा। या अपना ये ले सकते हो ब्लेंडर से भी, ये पूरा ब्लेंड हो जाएगा। मुझे ब्रश ज्यादा अच्छा लगता है, बट डिपेंड्स, आप लोग ब्लेंडर से भी कर सकते हो। इफेक्ट है यहाँ पे फिंगर रख सकते हो एक, ताकि नीचे ना आ जाए आपका ब्लेंडिंग। और इसको थोड़ा सा एल में हम लोग कॉन्टोर करते हैं, राइट? तो आपको हमेशा यही टेक्निक फॉलो, एकदम परफेक्ट कॉन्टोरिंग हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। वन फिंगर गैप यहाँ पे और एक ये आ जाएगा, और ऊपर यहां तक आएगा, टेम्पल ऑफ चीक्स तक। जॉ लाइन का करते हो ना कॉन्टोर, तभी नीचे करना है यहाँ पे। मतलब अगर ये मेरा ब्रश है अभी, ये तो ये देखो यहाँ पे ऊपर नहीं करना है आपको, ये जो हड्डी दिख रही है ना यहाँ पे से नीचे आपको कॉन्टोर करना है। यहाँ पे शैडो फॉर्म होता है, यहाँ पे ऊपर नहीं, ठीक है? फिर इसको ब्लेंड नीचे की तरफ। अगर आपको डबल चिन है तो भी आपको यहाँ पे करना है इतने जगह पे, और फिर इसको भी ब्लेंड पीछे ऐसे, ठीक है? वापस आपको आपका छोटा फिंगर, ये छोटा फिंगर है ना वो रखो, और आपके आईब्रोज के यहां से आता है। अगर आपको आपके टोन्स को लंबा दिखाना है तो देखो ऐसे लड़का है गाइज, तो देखो तो ये दो लाइंस आ गई है आईब्रो के एंड से नीचे तक। इससे क्या होता है आपका नोज बहुत ही लंबा दिखता है। अगर आपका नोज ऑलरेडी लंबा है तो आपको आईब्रो के यहां से नहीं उसको ड्रॉ करना है, यहां पे ही बस दो लाइंस करने हैं, ठीक है? क्योंकि और फिर थोड़ा फिंगर से इसको ब्लेंड कर लो ऐसे, ब्लेंड करते थोड़ा सा ऐसे नीचे अपने इस पे। तो अभी क्रीम प्रोडक्ट्स हो गए, अभी थोड़ा सा मैं ब्लश लगा लेती हूँ। क्रीम ब्लश ही लगा रहे, तो उसके लिए मैंने लिया है मेरा ये वाला। तो ये नताशा डेनोना का ब्लश, थोड़ा सा शिमर, और ये जो कलर है गाइस थोड़ा सा लिप्स पे लगा रही हूँ। हुडा का पाउडर लिया है, थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लेते हैं पहले कंसीलर को। तो हम एक ही कंसीलर लगा रहे हो, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको और हाइलाइटिंग चाहिए गाइस, तो आप लोग और एक हाइलाइटिंग शेड लगाना, ये ब्लेंडर और उससे पाउडर लगा। स्प्रे करेंगे और इसको ड्राई होने देते हैं, उसके बाद हम लोग लगाएंगे हाइलाइटर। बट उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े से आईब्रोज को सेट कर लेते हैं। तो ये भी हो गया है, अभी हम थोड़ा सा आई मेकअप करते हैं गाइज। तो कंसीलर से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। तो मैंने अपना टार्ट का ही मीडियम शेड का कंसीलर ले रही हूँ, और वही थोड़ा यहाँ पे लगा रही हूँ आईलिड्स पे। चलो तो अभी हेलो आई करेंगे हम लोग। तो आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर पे हम लोग सेम कलर लगाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा इंटेंस चाहिए, तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, लिपस्टिक लगा रही हूँ, ओके, आउटर कॉर्नर में। ये है आईबॉल के यहाँ पे होता है हमारा आउटर कॉर्नर, ये हो गया आपका आउटर कॉर्नर। ये बस इंटेंस आई लुक के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है? अगर आपके पास ये अप्लायर का ये लिक्विड है तो ये भी चलेगा, नहीं है तो कोई भी अपना लिपस्टिक ले लो। थोड़ा सा आई शेडो और थोड़ा डार्क दिखता है, दैट्स इट, और पिगमेंट दिखाने के लिए। तो कम टाइम में आप लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हो, मतलब ज्यादा इंटेंस लुक क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये मोका कलर ले रही हूँ, ये मिशेली पद्मा का पैलेट है, बट आप लोग कोई भी पैलेट ले लो ब्राउन, और इसको थोड़ा सा हम लोग अभी इंटेंस करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने हुडेड आके तो मैं थोड़ा सा ऊपर जा रही हूँ, तो ये मेरा क्रीज है, बट इस यहाँ तक ही मैं करूँगी,
थोड़ा सा वो दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जा रही हूँ ऊपर तक। थोड़ा सा कैरेमल कलर ले रही हूँ मैं और थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और अभी हमको इसको जॉइन भी करना है। ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना, इसको हम लोग जॉइन करेंगे अभी। ओके, ऐसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैंने अपना ब्रश लिया है, क्या कर रही हूँ, ब्लैक कलर ले रही हूँ। ब्लैक लो या कोई भी थोड़ा सा डार्क कलर लो और इसको बस थोड़ा सा हमको अभी इंटेंस करना है। जो भी आउटर कॉर्नर में कर रहे हो ना, वही आपको इनर कॉर्नर में भी। फिर अभी ये जो क्लीन एरिया है सेंटर वाला, वहाँ पे हम लोग लगाएंगे शिमर। तो मैं ले रही हूँ ये मेकअप फॉरएवर का स्टारलेट पाउडर है, ये कॉपर कलर का। तो अभी ये वाला ले रही हूँ मैं, और यहाँ पे हमको लगाना है थोड़ा सा ये स्किन के ऊपर हम लोग लगाएंगे शिमर को, ताकि वो दिखे। थोड़ा सा और जैजअप करने के लिए मैं ये मैक का ले रही हूँ। इसका शेड क्या है, फ्लैश एंड डैश। ओके, फ्लैश एंड डैश कलर, और थोड़ा सा इसके ऊपर ग्लिटर लुक के लिए लगाएंगे इसको। ये ग्लिटर बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, तो ये जब भी ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद वापस सी गोल्ड ग्लिटर लगाएंगे, बट वो बाद में करते हैं। पहले मैं इतना ही ये आईज का भी कम्प्लीट कर लेती हूँ। इतना हो गया है, अभी हम थोड़ा सा निक्स का ग्लिटर प्राइमर ले रही हूँ। ये स्किप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिटर लगा रही हूँ, हमको थोड़ा सा गोल्ड ग्लिटर भी लगाना है, राइट। ले रही हूँ मैं गोल्ड ग्लिटर यहाँ पे, ये हो गया है। आईलाइनर लगाएंगे। आईलाइनर के लिए मैंने अप्लेर्जा का ही ले रही हूँ आईलाइनर। ये एक्चुअली वाटरप्रूफ है गाइस, तो आपको बस ऐसे थोड़ा लेना है, और ये 700 रुपीज में मिल जाता है। तो आप लोग आई शेडो के लिए भी एज अ बेस यूज कर सकते हो इसको, आई लाइनर के जैसे भी यूज कर सकते हो। काफी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लिक्विड है। तो डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर पे हम लोग लगाते हैं। आउटर कॉर्नर, ओके, अंदर नहीं लगा रही हूं मैं। ये जो ब्राउन चॉकलेट कलर है ना, ये वाला लेंगे हम लोग, और इसको थोड़ा ब्लेंड कर लो। और फिर मैं ले रही हूँ ये अपना लाइट ब्राउन कलर, सो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। गैर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।